आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? हमारे भारत में कई चीज़ें रोमांचक और मिस्टीरियस हैं जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए। कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ किले के बारे में कुछ बातें आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजमंच जिले में स्थित है। इस जिले का निर्माण कार्य पूरा होने पर महाराणा कुंभा ने इस सिक्के बनवाए थे जिन पर दुर्ग और उनका नाम छपा हुआ था। इस दुर्ग को वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बनाया गया था और संकट के दौरान निकलने के लिए गुप्त रास्ते भी बनाए गए थे। इस दुर्ग में प्राचीन जलाशय, मंदिर, आवरणीय इमारतें, यज्ञ वेदी स्तंभ आदि बने हैं। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 को कराया था। इस किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि इस पर विजय प्राप्त करना लगभग नामुमकिन कार्य था, क्योंकि इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो कि चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। कुंभलगढ़ के किले को मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवरणीय इमारतें बनाई गईं और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशय के लिए किया गया था। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल और सबसे ऊपर कुंभ महल है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थलीय कुंभगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर पृथ्वीराज और राणा सागा का बचपन बीता था। उड़वा राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इसी दुर्ग में देखी जाती है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना दाई ने इसी दुर्ग में छिपाकर पाला था। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफ़ी समय तक यहाँ रहे थे। इस दुर्ग को बनाने के बाद ही इस पर आक्रमण होना शुरू हो गए थे, लेकिन इस दुर्ग की कई दुखद घटनाएं भी हैं जिस महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका। भाई शूरवीर महाराणा कुंभा को इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय सिंह द्वारा मृत पाया गया। यही था इस दुर्ग का अंत। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शहद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भनी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुंचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।